जी, आपने जो कहा कि इन गंभीर हालातों में प्रदेशवासियों को सोचना पड़ेगा, मोदी जी आए थे अभी दौसा के अंदर, क्या क्या कह गए, क्या कहानी सुना के गए, 34 सेकंड का 2 पैरा पढ़ लिया, क्या हो गया उसके अंदर, गलती उसी में सुधार ली गई, और क्या चाहते हो बोलो। पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी बोल रही है उसको लेके, 2000 पिछले साल का बजट पढ़ा जा रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? अगर मान लो मानवीय भूल से जो लोग दर्द दिन तक बंद रहते हैं कमरों में, बजट बनता है दर्द दिन तक बंद रहना पड़ता है, क्या जो बंद रहे एक पे एक्स्ट्रा लग गया मान लीजिए गलती से, 2 पैरा पढ़ने से उसका 34 सेकंड का रिकॉर्ड है असेंबली के अंदर, और पूरे देश में बदनाम कर दिया राजस्थान को कि मुख्यमंत्री ने पिछला बजट पढ़ दिया, इतने शानदार बजट है, घोषणाएं हैं, आज देश के लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, बल्कि इसके आप हमारा बजट जो है कोई रिसर्च करें तो पाएंगे कि ये हर राज्य में धीरे धीरे अडोप्ट करना चाहिए, इतनी शानदार स्कीमें हैं, सोशल सिक्योरिटी की है, जन कल्याणकारी की है, किसानों की है, मजदूरों की है, नौजवानों की है, आप बताइए तमाशा कर रखा है, और प्रधानमंत्री जी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, बताइए ये RCP तो घोषणा की नहीं उन्होंने, जो लोग तरस तरह पानी के लिए पूरे डेरा जिले के लोग उसके ऊपर खुद ने वादा किया चुनाव जीतने के लिए, ये मेरा आरोप है उनके ऊपर, पिछले चुनाव जीतने के लिए 13 जिले के नाम लिए 2 बार अजमेर में और जयपुर के अंदर, उसको भूल गए, उसके लिए कोई इमदाद नहीं कर रहे हैं राजस्थान को, भ्रमित कर रहे हैं जनता को, उल्टा 2 राज्यों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान को, दोनों राज्यों ने बैठ के 2005 के फैसला किया था, एग्रीमेंट किया था, उसके आधार पर वसुंधरा राजे जी ने ये इसकी मनाई है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी शोर को बंद करने की नहीं इनकी तरह, उसके बाद में इन्होंने दौसा में आकर के 13 जिले के छाती पे आके इन्होंने झूठ बोला, वहाँ पर भ्रमित किया जनता को, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए, अगर सरकार कांग्रेस की भी है, 13 जिले के लोग तो कांग्रेस के नहीं हो सकते, सब पार्टी में होते हैं, उन लोगों को पानी के लिए प्यासा रख के क्या करेंगे, वो क्यों नहीं इस योजना को जो महत्वाकांक्षी योजना है उनकी खुद की पार्टी की बनाई हुई सरकार थी उन बनाई है, क्यों रोक रहे उसको, कोई जवाब है इनके पास में, और आप कहानी किसे बता रहे हो बचपन के, ये स्थिति हो गई है, जनता जवाब देगी, इनको खुद जवाब देगी, नमस्कार।